आइए भगवान वामन की जयंती पर उनसे जुड़ी कथा जानते हैं। उसकी कथा ऐसी है कि एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। तो इस तरीके से भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। यह जानकर वामन वहां पहुंचते हैं। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठा। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे। जब लेकिन बलि ने बार बार अनुरोध किया तो उन्होंने कहा, अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में दे दी जाए। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, क्योंकि जिस आकार में वो थे तो बलि को मन ही मन में लग रहा था कि 3 पग कितना होगा। मन में कहीं न कहीं यह हास्य का बोध हो रहा था कि बताओ 3 पग मुझ जैसे आदमी से, राजा बलि से 3 पग, ऐसा करके उनके मन में विचार चल रहा था। लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लग गया। वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने 1 पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। 3रे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। 3रा पग मेरे मस्तक पर रख दें। सब कुछ गंवा चुके बलि को अपने वचन से ना फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा किया कि बाद में उसे पताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई। तो इस तरीके से राजा बलि से मुक्ति दिलाते हैं वामन देव। बोलो वामन भगवान की जय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। मैं सच हूं, मैं लल्लू राम हूं, मैं खड़ा हूं आपके लिए, मैं लड़ता हूं आपके लिए, मैं हर घर की आवाज हूं, मैं दिन रात आपके साथ हूं, मैं आपके अधिकारों की बात करता हूं, मैं राजनेताओं से सीधे संवाद करता हूं, मैं जनता के सवालों का जवाब ढूंढता हूं, मैं सच हूं, मैं लल्लू राम हूं। lalluram.com, सच कहेंगे लल्लू राम। नए अवतार में, नए अंदाज में, अपने उसी तेवर के साथ आपका lalluram.com, नाम वही अंदाज नया। छत्तीसगढ़ की सबसे विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट lalluram.com, सच कहेंगे लल्लू राम।